हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे अकरमैन फंक्शन क्या होता है। अकरमैन फंक्शन में ये फॉर्म रहता है ए एम कॉमा एन। अब इसमें ए अगर एम इज इक्वल टू जीरो रहेगा और एन नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा तो ए एम कॉमा एन का वैल्यू एन प्लस वन निकल जाएगा, और एम इज इक्वल टू जीरो और एन इज इक्वल टू जीरो रहे एम नॉट इक्वल टू जीरो और एन इज इक्वल टू जीरो रहेगा तो ए एम कॉमा एन इज इक्वल टू ए एम माइनस वन कॉमा वन हो जाएगा, और एम नॉट इक्वल टू जीरो एन भी नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये फॉर्म होता है कि ए एम माइनस वन कॉमा ए एम कॉमा एन माइनस वन। तो इसमें चार क्वेश्चन देखेंगे, ए वन कॉमा वन, वन कॉमा टू, टू कॉमा वन, टू कॉमा टू। ए वन कॉमा वन है, ए वन कॉमा वन का थर्ड फॉर्म में दिख रहा है, थर्ड फॉर्म में वन भी नॉट इक्वल टू जीरो है और ये वाला एन भी जो है नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इसमें ये वाला फॉर्म लगाएंगे ए एम कॉमा एम एम माइनस वन, तो एम माइनस वन करेंगे तो ए जीरो हो जाएगा कॉमा ए एम एम मतलब एग्जैक्टली उसका सेम वैल्यू डाल देना है और एन माइनस वन यानी जीरो आ जाएगा। अब ए वन वन फाइंड करने के लिए ए वन जीरो फाइंड करना पड़ेगा, तो ए वन जीरो हम लोग फाइंड करेंगे। तो इसमें तीनों में से फॉर्म देखेंगे तो ये सेकेंड फॉर्म नज़र आ रहा है जिसमें एम नॉट इक्वल टू जीरो है और एन इज इक्वल टू जीरो है। तो ए ए वन कॉमा जीरो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एम माइनस वन कॉमा वन, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा और कॉमा वन लगा देना है यहाँ पर। तो ए वन जीरो फाइंड करने के लिए ए जीरो वन फाइंड करना है, तो ए जीरो वन देखेंगे, ए जीरो वन देखेंगे तो ये फर्स्ट फॉर्म में मैच कर रहा है। फर्स्ट फॉर्म में हम लोग देखेंगे एम इज इक्वल टू जीरो और एन नॉट इक्वल टू जीरो रहता है तो एन प्लस वन हो जाता है। तो सेम यहाँ पर भी वही आया है, ए जीरो वन में ये एन नॉट इक्वल टू जीरो है और एम इज इक्वल टू जीरो है तो वन प्लस वन टू हो जाएगा, यानी ए जीरो वन का वैल्यू हो जाएगा टू, ए वन जीरो का वैल्यू भी हो जाएगा टू। उसके बाद ए वन वन का फाइंड करना है तो ए जीरो कॉमा वन, ए वन कॉमा जीरो था इसके जगह क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, ए जीरो कॉमा टू आ गया। अब ए जीरो कॉमा टू के एक जीरो कॉमा टू कौन से फॉर्म में है ये चेक करना पड़ेगा। तो ए जीरो कॉमा टू जो है वो हम लोगों ये फर्स्ट फॉर्म में मैच कर रहा है, जीरो कॉमा टू यानी एन नॉट इक्वल टू जीरो तो एन प्लस वन वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये टू प्लस वन डायरेक्ट थ्री आ जाएगा, तो ए वन वन क्या आ जाएगा, थ्री हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे ए वन कॉमा टू का, तो ए जीरो कॉमा ए वन वन है तो ए वन वन का वैल्यू हम लोग को पहले से ही पता है थ्री है, तो वहाँ पर जीरो कॉमा थ्री पुट कर देंगे। ये वाला जो ये फॉर्म था ए वन कॉमा टू ये थर्ड फॉर्म में मैच करेगा क्योंकि ये भी नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी नॉट इक्वल टू जीरो है। तो ए एम माइनस वन, एम माइनस एन वन माइनस वन माइनस वन जीरो हो जाएगा कॉमा ए एम मतलब सेम वन का वैल्यू आ जाएगा कॉमा एन माइनस वन यानी टू माइनस वन वन आ गया। ए वन वन का वैल्यू पता है थ्री, ए जीरो कॉमा थ्री, तो ये जो है सेकेंड ये हम लोग का फर्स्ट फॉर्म में फिर से आ जाएगा। ए एम एम कॉमा एम कॉमा एन जो है एम इज इक्वल टू जीरो और एन नॉट इक्वल टू जीरो, थ्री प्लस वन फोर आ गया। ए वन टू का वैल्यू आ जाएगा।